के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता था। आप इलम सीखे, इलम सीखे, इलम की एक ताकत को पहचाने। आप जयपुर के अंदर चलना, आप दिल्ली बिरादरी के राय बाड़मेर के अंदर करीब है, मैं गंगापुर सवाई माधोपुर में जाता हूँ, 60-70 हजार लोग वहाँ रहते हैं, जहाँ की राजनीति दिल्ली समक्ष तय करती है। अपने आप को काबिल में आपको कम नहीं समझे, अपने आप को एकता मजबूत समझ कर हमेशा हमेशा जो सच्चाई के साथ काम करना चाहता है उनका साथ दे आप, और हमेशा आप अपने आप को मजबूत रहे। आपके दो तीन आईएएस है, झुंझुनू का कलेक्टर आपका आपका तेली है, झुंझुनू का कलेक्टर यूडी खान साहब है, अतौर रहमान साहब एसपी है जो अपने आप के जोधपुर के रहने वाले वहां से है, आपके इनकम टैक्स का कमिश्नर जेडी साहब है जो बीकानेर के रहने वाले है, गुजरात के इनकम टैक्स के कमिश्नर है। आपको और बता दूं आपके आरएएस कितने भी आरएएस है, कितने भी आईएएस है, कितने भी आईपीएस है, आपको बेशुमार आपको जयपुर में जाकर देखना है, आपको किसी जगह कोई नहीं है। आप इलम से जुड़िए, इलम की ताकत को पहचानिए। आपके लिए जयपुर के अंदर हॉस्टल स्थापित है, वहाँ बच्चे जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भेजो, और आपको आरएएस आईएएस की जो कोचिंग करना चाहते हैं वहाँ कोचिंग के लिए जयपुर के अंदर आपको निःशुल्क वहाँ कोचिंग के लिए व्यवस्था की गई है। आप अपने आप को कम ना समझे, आप अपने आप जुड़े, इलम से पढ़े। इलम की एक रोशनी ऐसी रोशनी है इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इलम एक ऐसा एक समंदर है जो कहते हमारे कहाँ है, इलम एक समुंदर है, इलम एक नूर है, अपनी माँ की पेड़ से लगाकर कबर की पेट पर इलम सीखो। ये इस्लाम ने फरमाया है, इस्लाम ने फरमाया, इस्लाम का पहला अल्फाज था इकरा, सू अल्लाह के नाम से कर रहा है, इकरा का नाम